सो हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आ गया हूँ ग्रैंड मास्टर स्क्वाड के अंदर। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ये तीनों ही बंदा जो मेरे साथ खेल रहा है, ये तीनों ने सेम ड्रेसअप तो किया ही किया है। साथ में तीनों ही बंदा का आप देखिए रैंक, तीनों बीआर मोड के ग्रैंड मास्टर रैंक पे है। तो आज मैं इन तीनों ग्रैंड मास्टर प्लेयर के साथ गेम प्ले करने वाला हूँ और आपको इस वीडियो में ग्रैंड मास्टर प्लेयर का सारा सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह ग्रैंड मास्टर के प्लेयर जो है ना इतना ज़्यादा प्लस कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले लॉबी देख लीजिए कि ग्रैंड मास्टर प्लेयर के साथ जब मैं खेल रहा हूँ तो किस तरह का लॉबी आया है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर के साथ नूब लॉबी आता है, बॉट लॉबी आता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर प्लेयर के साथ किस तरह का लॉबी आता है, मतलब अच्छा लॉबी है। आप बॉट लॉबी या नूब लॉबी नहीं कर सकते, यहाँ कुछ प्रो बंदे हैं और सारे बंदे के पास देख सकते हैं गन स्किन अच्छा वाला है, मतलब अच्छा लॉबी है। लेकिन लीडर बोर्ड पे मैं हूँ, एक तो बात अच्छी है कि यहाँ भी लीडर बोर्ड पे अपना टीआरडी गेमर है, ठीक है ना, भले ही वो दूसरा नंबर ही क्यों ना हो। तो बैजेस में यहाँ दूसरा नंबर पे हूँ मैं इस लॉबी के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना एरोप्लेन आ गया है, तो अब हम लोग लैंड करेंगे और मैं आपको ग्रैंड मास्टर प्लेयर क्या क्या सीक्रेट ट्रिक को यूज करके मतलब अच्छा खासा प्लस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा प्लस करते हैं, हर गेम में वो लगभग 50 के आसपास प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब एक ही है कि ग्रैंड मास्टर रैंक पे है तो मतलब उसके पास कुछ तो अच्छा बात है, मतलब गेम प्ले से रिगार्डिंग हो कि टिप्स एंड ट्रिक से रिगार्डिंग हो या फिर कुछ सीक्रेट ट्रिक हो, मतलब ग्रैंड मास्टर प्लेयर के पास कुछ ना कुछ अच्छा है जिसके कारण वो ग्रैंड मास्टर रैंक तक पहुंच पाया है। तो यहाँ देखिए मेरा सारा स्क्वाड जो तीन बंदा ग्रैंड मास्टर का है वो सारा पीक पे उतरा, क्योंकि वो प्रो है भाई, पीक पे तो उतरेगा ना, लेकिन मैं यहाँ बीमा शक्ति पे उतरा, गलती से हो या जैसे हो बीमा शक्ति पे मैं उतरा। और मैं आपको बता दो, बीमा शक्ति के ऊपर 2 से 3 स्क्वाड उतरा है, बहुत सारा बंदा उतरा है और मेरा स्क्वाड पीक पे उतरा है, तो मतलब यहाँ मैं अकेला हूँ। और बीमा शक्ति के ऊपर मेरे साथ बहुत सारे बंदे भी हैं, मतलब इनिमी बहुत सारा है यहाँ पर, मैंने पहले ही देखा था 2-3 स्क्वाड उतरा है। और यहाँ देखिए, यहाँ जैसे मैं घर से निकलता हूँ अचानक से इनिमी हमको आता है और मैक 10 से मार देता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि चलिए मैं आपको अपना बंदा सबसे मिला देता हूं, ये पहला बंदा डैडी कॉलिंग, आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद मैं इसका आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा लेकिन सब बंदा को दिखा देता हूं। ये अनिल भाई है, आप इसको भी देख सकते हैं यहां पर, अनिल भाई है। और यहां देखिए मैं आगे आपको तीसरा बंदा, ये देखिए ये पागल पागल नाम लिखा हुआ है, मतलब पागल भाई है, आप देख लीजिए। तो मतलब तीनों बंदा को मैंने आपको दिखा दिया, अब चलिए मैं तीनों का आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो पागल भाई है वो जो है ना, देख लीजिए, पहले तो के कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, के कैरेक्टर के साथ मैक्सिम, पालोमा और मीसा कैरेक्टर यूज कर रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर आप देखिए ये जो डैडी कॉलिंग भाई है ये स्काइलर कैरेक्टर यूज कर रहा है, स्काइलर के साथ वही मैक्सिम, पालोमा और लास्ट में राफेल कैरेक्टर यूज कर रहा है, तो आपने देख लिया। तो यहाँ पर जो इधर राइट साइड में मल्टी विंडो है ना, यहाँ पूरा स्क्वाड है, और डैडी कॉलिंग ने ग्लू बॉल लगाया लेकिन सामने से स्काइलर मार के ग्लू बॉल तोड़ दिया, और डैडी कॉलिंग भाई के पास कोई ग्लू बॉल नहीं था इसलिए इसको फिनिश कर देता है। तो आपको आपने देख लिया किस तरह मेरा एक फ्रेंड तो गया। और ये बंदा जो है ना, ये बंदा यहां से एस्केप कर रहा है, ये जो है ना एस्केप कर रहा है, सबसे ज्यादा दिमाग लगा रहा है क्योंकि अनिल भाई भी मर गया, क्योंकि वहां पूरा स्क्वाड था, अनिल भाई ने एक बंदा को डाउन भी किया था लेकिन वो भी मर गया। मतलब अभी देखिए ये सिर्फ एक ही ग्रैंड मास्टर का बंदा बचा हुआ है, एक के पागल, तो अगर ये बंदा मरा तो मतलब लंबा माइनस होने वाला है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर रैंक पे माइनस भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई रैंक होता है ना। अभी अगर हमारा स्क्वाड खत्म हो गया तो लगभग में 100-120 का माइनस होगा। और यहाँ पर हमारा बोलने से मतलब आप हमसे नहीं समझिएगा, मेरा रैंक तो कम है, मेरा 7-8 हजार स्कोर है और मैं मास्टर पे हूँ, तो मेरे से मतलब था कि ये जो ग्रैंड मास्टर का पूरा स्क्वाड है इसमें से मतलब वो लोग का तो बहुत ज्यादा हाई रैंक है ना, ग्रैंड मास्टर रैंक पे है और बहुत ज्यादा स्कोर, लगभग में 16-17 हजार स्कोर है, तो वो लोग का जो है ना 100 माइनस हो जाएगा या 100 से ज्यादा भी माइनस होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है 100 प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये पागल भाई थोड़ा सा भी खराब खेलते हैं तो मतलब इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। तो यहाँ देखने के बाद आपको पता चल गया ना कि आप बहुत बंदा सोचता होगा कि ग्रैंड मास्टर का बंदा बहुत नूब प्लेयर के साथ खेलता है, बहुत इजीली रैंक पुश कर लेता है, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि उनका पूरा स्क्वाड खत्म हो जाता है लेकिन ग्रैंड मास्टर का बंदा ग्रैंड मास्टर पे है क्योंकि उसके अंदर दिमाग है। तो ये देखिए ये क्या किया, पहले ही देख लिया कि हमारा बंदा मर जाएगा क्योंकि वहाँ पूरा स्क्वाड है, तो पागल भाई पहले एस्केप कर लिया वहाँ पर, आपने देखा ये फाइट में नहीं गया, ये एस्केप कर लिया, ये भी फाइट में जाता तो मरने का चांसेस था। तो सीधा बात है, ग्रैंड मास्टर रैंक पे रहना है तो ज़्यादा चांस मत लो, ये कितना भी प्रो हो मार सकता है बंदा को लेकिन
ज़्यादा चांस नहीं लेना है। तो अगर हमारा बंदा मर गया तो सबसे पहले रिवाइव करना है। मतलब ग्रैंड मास्टर प्लेयर का सबसे बड़ा सोच यही रहता है कि अगर कोई फ्रेंड मर गया तो सबसे पहले रिवाइव करना है, फिर फाइट में जाना है। फाइट तो करना ही है क्योंकि इनको किल चाहिए, तभी ज़्यादा प्लस मिलेगा, नहीं तो इसको बहुत कम प्लस मिलेगा। लेकिन अगर फ्रेंड मर गया तो सबसे पहले फ्रेंड को रिवाइव देना है, फिर जाकर के फाइट करना है। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, जब आप फुल मैप गेम खेलते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड को रिवाइव दीजिए, उसके बाद फाइट में जाइए, तो आपका माइनस होने का चांसेस बहुत 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 घट जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया क्योंकि यहाँ जो पागल भाई बचे हैं ना, इसने इतना मतलब दिमाग लगाया ना, इतना गजब का रोटेशन लिया ना, क्या ही बोले। कोटा टू आप बाइक मिला और रोटेशन, देखिए रोटेशन क्या रोटेशन लिया है, पानी के तरफ से रोटेशन है भाई, पानी में घुसाते हुए रोटेशन लेकर के। ये देखिएगा थोड़ा देर में शिपयार्ड पहुंचेगा और शिपयार्ड में हम लोग को बचा लेगा। तो मतलब बहुत लंबा रोटेशन लिया, मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता था कितना रोटेशन लेगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ मैंने थोड़ा वीडियो को इस फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, जैसे कि आप देख सके कि किस तरह से मतलब दिमाग लगाता है ग्रैंड मास्टर का प्लेयर। मतलब पेशेंस के साथ खेलता है, सीधा भी आ सकता था आराम से, बाय रोड आता तो बहुत ईजी से आ जाता, लेकिन देखिए यहाँ पेशेंस, पूरा लंबा रोटेशन लिया। तो मतलब ऐसे ही ग्रैंड मास्टर रैंक पे नहीं है, पूरा पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है, तब भी जा करके ये लोग ग्रैंड मास्टर रैंक पे। एक तो मतलब दिन में लगभग में 15 से 20 गेम तो खेलना ही पड़ता है मिनिमम, उसके बाद भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब भी आप ग्रैंड मास्टर रैंक पे रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, जब हाई रैंक हो जाता है ना, प्लस तो 50 के आसपास ले सकता है, लेकिन माइनस मतलब 400-500 तक हो जाता है। मतलब एक लाख अगर कोई स्कोर कर लिया, उसका अगर माइनस होता है ना, तो 500 के आसपास माइनस होता है एक गेम में। तो मतलब आप समझ सकते हैं, माइनस होना जो है ना ग्रैंड मास्टर रैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए ये लोग बहुत पेशेंस से खेलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पागल भाई मतलब लंबा चौड़ा रोटेशन लेके यहाँ आया, और यहाँ पर पागल भाई ने अपने दो टीममेट को रिवाइव कर दिया, जिसमें एक मैं भी हूँ, मतलब आपका प्यारा टीआरडी भाई भी था, एक को रिवाइव कर दिया और अनिल भाई को रिवाइव कर दिया। इस तरह से अब जो है ना, पागल भाई ने दो प्लेयर को रिवाइव किया, मतलब तीन प्लेयर हो गया, मतलब अब माइनस होने का चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा घट गया, क्योंकि अब तीन तीन प्लेयर है, तो कोई मर भी जाएगा तो दूसरा बचेगा, दूसरा तीसरा को रिवाइव देगा, इस तरह माइनस होने का चांसेस को बहुत घट गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि पागल भाई ने कितना गजब का दिमाग लगाया और यहाँ पर आकर के रिवाइव कर दिया, जिससे कि मतलब माइनस होने का चांसेस खत्म हो गया। तो अब करना क्या है, हम लोग को किल करना है, क्योंकि अलाइव कम ही बचे हैं, तो हम लोग को जल्दी जल्दी किल करना होगा, तभी हम लोग जो है फुल प्लस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा लूटने पे प्रिफ्रेंस नहीं करूँगा, मैं किल के पीछे भागूंगा। और सारा ग्रैंड मास्टर का प्लेयर जितना भी होता है ना, आपको लगता होगा सब साथ में खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग लूटते हैं और सब अलग अलग चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको चाहिए किल। एक साथ रहते हैं तो क्या होता है ना कि थोड़ा झगड़ा टाइप का हो जाता है कि तूने मेरा किल चुरा लिया, मैंने तेरा किल चुरा लिया, इस तरह का बात हो जाता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा बहुत लूटा, उसके बाद सब अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो बात तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि आपको लगता है कि ग्रैंड मास्टर के प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छे खेलते हैं, एकदम देखते ही हेड शॉट मार देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रैंड मास्टर का प्लेयर भी नॉर्मल गेम प्ले करता है, लेकिन वो लोग दिमाग बहुत लगाते हैं, उनके पास पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो रैंक पुश कर पाते हैं और किल विल निकाल करके अच्छा खासा प्लस कर पाते हैं। प्रूफ के तौर पर आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना बार मर रहा हूँ और जो ग्रैंड मास्टर रैंक पे है वो भी कितना बार मर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फ्रेंड फिर खत्म हो गया, मतलब दो ही बचा हुआ है। तो मतलब वो लोग मरते हैं लेकिन एक दूसरे को रिवाइव देते रहते हैं, मतलब दिमाग लगा करके किसी तरह प्लस कर लेते हैं। तो ये पहला बात हुआ। और दूसरा बात है कि जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रैंड मास्टर के प्लेयर कभी भी एक साथ गेम प्ले नहीं करते हैं, कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, किल के पीछे भागता है। किल के पीछे भागते भागते अगर मर भी जाए तो कोई बात नहीं है, पीछे फ्रेंड है ना वो रिवाइव कर देगा। मतलब अपने फ्रेंड पे जो है उसको ट्रस्ट रहता है कि अगर मैं मर गया तो अभी रिवाइव कर ही देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रस्ट रहता है कि अगर हम मर भी गए तो कोई बात नहीं है, मेरा फ्रेंड तो है ना पीछे, वो रिवाइव कर ही देगा। तो ग्रैंड मास्टर प्लेयर के पास बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है अपने फ्रेंड के ऊपर, और वो लोग किल के पीछे भागते हैं, मतलब मरने का उन लोगों के पास कोई डर ही नहीं रहता है। मार दो ना भाई, कोई बात नहीं है, मेरा फ्रेंड है पीछे, वो बचा लेगा, इस तरह का होता है सिचुएशन ग्रैंड मास्टर प्लेयर के पास। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि पागल भाई ने बॉर्न टू
किल को मार दिया, B2K को मार दिया और हमको फिर से रिवाइव कर दिया और मेरे फ्रेंड को भी रिवाइव कर दिया। अब हम लोग चारों अलाइव हैं, ठीक है ना। तो आपने खुद ब खुद देख लिया कि किस तरह हमको रिवाइव मिल रहा है। यहाँ पर मैं दो बार मर चुका हूँ और मैप पे ये मेरा तीसरा बार लैंडिंग है, ठीक ना। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मरते हैं लेकिन मेरा फ्रेंड है ना वो हमको रिवाइव दे देता है, क्योंकि वो लोग ग्रैंड मास्टर रैंक पे है। उन लोग को पता है कि अगर हम रिवाइव करेंगे तभी हम लोग जीत सकते हैं। तो इस रिवाइवल को मैं जाया नहीं होने देता हूँ और यहाँ से मैं एकदम ओपी गेम प्ले करता हूँ। मैं अपना आपको गेम प्ले भी दिखाऊंगा। अब मतलब अभी तक तो गेम प्ले आपने मेरा देख ही नहीं पाया, यहाँ पर आपने ग्रैंड मास्टर प्लेयर सबका क्या क्या स्ट्रेटेजी है उन लोगों को देखा। तो यहाँ देखिए लक भी साथ देता है, देखिए 2-3 गोली मारे डाउन हुआ और उसको मैंने फिनिश कर दिया। तो मतलब मौका का फायदा ले लिया, मेरा फ्रेंड मार रहा था मैं इसको डाउन करके किल करके क्लियर कर दिया और बॉन्टी लूट लिया। इस तरह से मेरे पास लूट अच्छा खासा हो गया। तो आप लोग भी जब फुल मैप गेम खेलिएगा यानी कि BR रैंक मोड खेलिएगा तो आप लोग एक बात पक्का जो ना खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपका फ्रेंड ज़्यादातर टाइम अलाइव हो। अगर वो मर गया तो आप पहले कोशिश कीजिए कि उसको रिवाइव दे दे, क्योंकि अभी तो रिवाइवल पॉइंट है BR मोड के अंदर और टोकन से भी रिवाइव होता है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उसको रिवाइव दे दे, वो जो है ना अंत में आपको बेनिफिट देगा, आपको मैच जिता देगा। मतलब कि फ्रेंड को अगर आप रिवाइव दीजिएगा आपका जीतने का चांसेस जो है बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले कुछ मिस कर दिया था, मैंने आपको अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं बताया, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो ना के कैरेक्टर के साथ वुल्फुरा कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, वुल्फुरा कैरेक्टर के साथ हयातो कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ और लास्ट में लुकिटा कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग को पता होगा ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है अल्टीमेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन और बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स भी रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा यहाँ पर क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे हमको क्या बेनिफिट होगा। पहली बात तो वुल्फुरा कैरेक्टर है, वुल्फुरा कैरेक्टर क्या करता है, अगर 3 इंस्पेक्टरशिप मेरे ऊपर रहेगा तो इनिमी को हेड पे 30% ज़्यादा डैमेज देगा, इनिमी मारेगा तो हमको 30% कम डैमेज देगा हेड के ऊपर। तो इस तरह से बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, 30% ज़्यादा डैमेज, 30% कम डैमेज। तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हयातो कैरेक्टर का पता ही है कि अगर इनिमी मारेगा हमको कम डैमेज पड़ेगा, हम मारेंगे ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, तो मतलब यहाँ भी बेनिफिट है। उसके बाद लुकिटा कैरेक्टर मेरा मैक्सिमम HP को 250 कर देता है लेकिन हमको 2 किल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर 2 किल कर लेता हूँ, एक तो पहले मैंने मारा G18 से, मतलब मौका का फायदा उठा लिया, और यहाँ पर मैं एक दूसरा इनिमी को मार दिया वो भी एकदम बेनिफिट ले लेकर के। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एक ट्रिक है कि जब आप इनिमी को फिनिश कीजिए ना तो आप जो उसका हेड पे मार करके फिनिश कीजिए, इससे आपको ज़्यादा डैमेज मिलेगा और ज़्यादा प्लस मिलेगा। तो ग्रैंड मास्टर प्लेयर क्या करता है ना, वो आजकल नाइफ नहीं मिलता है फ्री फायर गेम के अंदर, छोटा वाला नाइफ वो जो मतलब पिस्टल वाले स्लॉट में फिट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि इनिमी को डाउन करता है और नाइफ से जब हेड पे मारते हैं ना 700-800 का डैमेज मिलता है। इस तरह से डैमेज बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है और मतलब अच्छा खासा प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास नाइफ नहीं मिला है, हमको लूटने का मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं भी फिनिश करता नाइफ से और अपना डैमेज इंक्रीज करता। लेकिन यहाँ पर मैंने वुड पीकर उठा लिया है, वुड पीकर भी अच्छा खासा डैमेज देता है। उसके देखिए मैं जैसे इनिमी को नॉक करता हूँ उसको फिनिश कर देता हूँ, इसे देखिए 2 बेनिफिट होता है, एक तो उसको बचाने का चांसेस नहीं मिला और दूसरा क्या होता है बताएं, दूसरा क्या होता है ना कि हमको डैमेज मिल जाता है और जितना ही ज़्यादा डैमेज रहेगा ना उतना ज़्यादा प्लस मिलेगा। अगर मेरा 2-3-4 किल तक ही हुआ लेकिन मेरा डैमेज जो है ना 2000-3000 है तो हमको फुल प्लस मिल जाएगा। तो मतलब समझे डैमेज भी जो है ना अभी फ्री फायर गेम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दे रहा है, मतलब प्लस करने में। यहाँ देखिए मैं इनिमी को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया लेकिन यहाँ मैं डाउन हो गया, तो मैंने जानबूझ के ही मतलब रिक्स लेकर के उसको मारने का ट्राई किया, क्योंकि मेरे पास एक फ्रेंड था और मेरे पास हाइट का भी एडवांटेज था, मेरे पास कवर भी था, तो मतलब यहाँ हमको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, डाउन कर देगा लेकिन फिनिश करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं एकदम ओपन से जा करके इनिमी को मार रहा था, कम से कम हमको डैमेज तो मिल रहा था, डैमेज से भी प्लस होता है। तो अभी यहाँ मेडी मारना जरूरी है, पीछे जोन था इसलिए मैं आगे आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं मेडी मार लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है ना ग्रैंड मास्टर प्लेयर का सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है लास्ट जोन, सेकेंड लास्ट जोन में, ठीक ना। क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, अगर अच्छा लॉबी है तो मतलब छोटा सा जोन में 10 बंदा 15 बंदा 20 बंदा अलाइव रहता है, वो भी हर अलग अलग स्क्वाड का रहता है। अगर यहाँ पर अगर मर भी जाएगा ना तो 8 नंबर 9 नंबर पे पोजीशन मिलेगा, इससे माइनस ही होने वाला है। आप कितना भी किल कर लीजिए आपका माइनस ही होने वाला है। तो ये जो ना एकदम क्रूशल टाइप का पोजीशन हो जाता है टाइम। तो यहाँ देखिए ये एनिमी लैंड किया था, मैंने इसको डैमेज दिया था लेकिन मेरा फ्रेंड इस किल को चुरा लिया था, ऐसा होते रहता है। अब
तो थोड़ा क्लोज क्लोज खेलना ही पड़ेगा। शुरू में हम लोग दूर दूर रह के खेले, लेकिन ग्रैंड मास्टर का जितना प्लेयर है जोन जब श्रिंक हो जाता है, लास्ट जोन सेकेंड लास्ट जोन आ जाता है, तो वो लोग एक साथ आ जाते हैं, एक साथ गेम प्ले करने लगते हैं। वहाँ पर वो किल को नहीं देखते, वो पोजिशन निकालने को देखते हैं, बुइये निकालने को देखते हैं। देखिए पागल भाई को अभी जस्ट रिवाइव मिल गया, ठीक ना, मतलब कि आपको पता चल रहा किस तरह से ग्रैंड मास्टर के प्लेयर रिवाइव फर्स्ट करते हैं। तो मैं जैसे ऊपर डाउन हुआ तो आपने देखा क्विकली आके हमको रिवाइव कर दिया। मतलब ये लोग रिवाइव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब अपने फ्रेंड को बचाने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैं आपको थोड़ा गेम प्ले अब दिखा देता हूँ। तो पागल भाई को अभी रिवाइव मिला है, और यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा बता दिया कि वहाँ लूट है भाई, जाके लूट लो, मतलब डब्बा के पास लूट है, लूट लो। और यहाँ देखिए डैडी कॉलिंग को तो मतलब सामने पूरा स्क्वाड है, और स्क्वाड से वो अकेले फाइट ले रहा था तो उसको मार दिया। तो मैं भी जा रहा हूँ स्क्वाड से फाइट लेने के लिए, क्योंकि मेरा किल भी कम है, उसके बाद मेरा डैमेज भी कम है। तो यहाँ पर अगर मैं एक दो किल कर लेता हूँ तो मेरा फुल प्लस मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर देखिए ग्लिच फायर का मैं यूज कर रहा हूँ, तो इनिमी हमको जल्दी नहीं मार पाएगा, तो क्योंकि मैं यहाँ ग्लिच फायर का यूज कर रहा हूँ, इनिमी हमको देख भी लेगा तो नहीं मार पाएगा। ये ग्लिच फायर के बारे में भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं किस तरह आप ग्लिच फायर का यूज करते हैं, मतलब जिससे कि आपको इनिमी मार नहीं सकेगा, लेकिन आप इनिमी को मार सकते हैं, उस फायर को कहते हैं ग्लिच फायर। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ देखिए जो मेरा फ्रेंड को मारा था डैडी कॉलिंग, मैंने उसको लूट लिया, अच्छा खासा लूट हो गया। और देखिए ऊपर एक इनिमी है और उसको मैंने मार दिया, नॉक किया तो जस्ट किल करके फिनिश कर दिया। और भी एक इनिमी है, हमको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। तो यहाँ पर मैं पहले फाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा पहले हेल्थ बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि हमको फाइट करने में हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इनिमी को देख लिया, और ये देखिए डिफॉल्ट एम तो वर्क नहीं कर रहा है, और जूम करके मैं आराम से हेड शॉट मार दिया और इनिमी को उड़ा दिया। और यहाँ देखिए मेरा फ्रेंड डाउन था, मैं उसको बचाता हूँ। अभी एलाइव या एक या दो बंदा, एक ही बंदा एलाइव है, ठीक ना, एक ही बंदा एलाइव है, उसको हम लोग जैसे ख़त्म करेंगे तो बुइये हो जाएगा। और मैंने देख लिया उसको, और मैं उसको जैसे मार रहा था तो मतलब किल तो हमको नहीं मिला, फ्रेंड ने किल चुरा लिया। यही होता है जब हम लोग क्लोज क्लोज रहते हैं, किल चोरी हो जाता है, इसलिए हम लोग दूर दूर रहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्रैंड मास्टर का प्लेयर कितना मुश्किल सिचुएशन में था, लेकिन इस मैच को इजीली बुइये कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको 50 का प्लस मिला, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। और यहाँ मैं दूसरे नंबर पे था, मेरे से भी ज़्यादा किल, यहाँ देखिए अनिल भाई ने 9 किल किया है। तो आपने खुद ब खुद देखा किस तरह से ग्रैंड मास्टर का प्लेयर मतलब कितना मुश्किल सिचुएशन था, एकदम हारा हुआ मैच को बुइये कर दिया और एकदम फुल प्लस किया, 50 प्लस किया। तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चल गया हो कि ग्रैंड मास्टर का प्लेयर कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है और किस तरह ग्रैंड मास्टर जाता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर कर दे लाइक, और चैनल को 100% कर ले सब्सक्राइब।